सुकरात बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। यूनान के सभी लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनकी पत्नी जेंथाइप उनसे हर समय लड़ती रहती थी। जब सुकरात घर में शांत बैठे रहते तो वह उन पर चिल्लाना शुरू कर देती, पर वे मौन ही रहते। वास्तव में जेंथाइप को सुकरात की हर समय पढ़ने की आदत पसंद नहीं थी। एक दिन सुकरात अपने कुछ अनुयायियों के साथ घर आए। जेंथाइप सुकरात से किसी वजह से नाराज थी, पर जब सुकरात ने ध्यान नहीं दिया तो वह सुकरात से झगड़ने लगी, मगर सुकरात शांत बैठे रहे। यह देखकर जेंथाइप और अधिक क्रोधित हो गई और घर के बाहर से गंदे पानी की एक बाल्टी उठाकर उनके सर पर उड़ेल दी। तब सुकरात ने हंसते हुए कहा कि एक पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज देखा तुम गरजती भी हो और बरसती भी हो। यह घटनाक्रम सुकरात के सभी अनुयायियों ने देखा और एक अनुयायी ने कहा, यह स्त्री तो आपके योग्य नहीं है, आप कैसे ये सब सहन करते हैं। तब सुकरात बोले, नहीं, यह हर तरह से मेरे योग्य है। यह ठोकर लगाकर देखती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का। उसके इस व्यवहार से मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर सहनशीलता है या नहीं। ऐसा करके वह मेरा ही भला कर रही है। जब जेंथाइप ने यह सब सुना तो वह शर्मिंदा हो गई और बोली, आप महान हैं, आपको पहचानने में मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। उस दिन से जेंथाइप का स्वभाव शांत हो गया। सुकरात की सहनशीलता ने उसे भी सहनशील बना दिया। दोस्तों, सत्य है, सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिससे बुरे व्यक्ति भी अपना स्वभाव बदलकर सभ्य हो जाते हैं। सहनशील व्यक्ति न केवल अपने आसपास के वातावरण में शांति और सौहार्द कायम रखते हैं, बल्कि हर स्वभाव के लोगों के साथ तालमेल रखने में भी सफल होते हैं।